गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में, जिसमें आज मैं फिफ्थ क्लास मैथ की क्लास लेकर आई हूं। आपका एक्सरसाइज है 7.4, इसमें लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है गुणनफल ज्ञात कीजिए। जिसे आप सिंपल में गुणा करते थे उसी तरीके से ये दशमलव संख्या दी हुई है, इसका गुणा करना है पूर्ण संख्या से। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, सबसे पहला सवाल 3.1 × 10। सबसे पहले इसे हम लिख लेंगे 3.1 × 10 ऐसे। फिर इसे ऐसे ऊपर जो है 3.1 लिखेंगे, नीचे की ओर 10 लिखेंगे, गुणनफल का चिन्ह लगाएंगे गुणा का, उसके बाद हम इसे गुणा करेंगे। 0 का 1 से गुणा होगा, 0 लिखा जाएगा, दशमलव के नीचे दशमलव लगा देंगे, 0 का 3 से गुणा करेंगे फिर 0। एक संख्या छोड़ दिया जाएगा यहाँ पे, फिर एक संख्या बाद दशमलव लगा हुआ है दशमलव लगा देंगे। फिर देखिए, 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, फिर जो 1 का 3 से गुणा करेंगे तो 3। इस तरीके से हम नीचे जोड़ के देखेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर 1 में 0 जोड़ा जाएगा, 1 ही बचेगा, 1 ही होगा 3। फिर इस तरीके से 31.0 31 आंसर आएगा, 0 का कोई मतलब नहीं, इसलिए 31 आंसर आएगा। फिर देखिए सेकेंड नंबर 7.2 × 100 7.2 ऊपर लिखेंगे, 100 नीचे लिख देंगे। तरीके से हम पहले 0 से गुणा करके देखेंगे, 0 का 2 से 0, दशमलव यहाँ पे दूसरी संख्या पे लगा देंगे, 0 का 7 से गुणा करेंगे तो 0 आएंगे। तरीके से गुणे का निशान लगा देंगे नीचे की ओर, फिर से उसी तरीके से हम गुणा करेंगे, दोनों संख्याएं आप देख रहे हैं ऊपर की ओर 0 आई हुई है दोनों जगह, इस तरीके से नीचे की ओर भी 0 ही आ जाएंगे। फिर अगली संख्या से हम देखेंगे, 1 का 2 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 1 का 7 से गुणा करेंगे तो 7 आ जाएगा। इस तरीके से दूसरी संख्या पे दशमलव लगा हुआ है, आप 0 नीचे कोई संख्या लिखी नहीं है, 0 लिख लेंगे, फिर दशमलव के नीचे दशमलव लगा देंगे, इसके बाद 0 0 नीचे भी 0 हो जाएगा, फिर 2 और फिर 7। इस तरीके से आप देख रहे हैं 720.0 है, 0 का कोई मीन्स नहीं, इसलिए 720 आंसर आ रहा है। फिर आगे थर्ड नंबर देख लेते हैं, लिखा हुआ है सवाल में 81.715 × 100। देखिए 81.715 ऊपर लिखे हैं, 100 नीचे, 0 से गुणा किया जाएगा, सारी डिजिट 0 ही आएंगी, 3 संख्या के बाद दशमलव लगाए, 3 0 के बाद हम दशमलव लगा देंगे। फिर अगली संख्या एक जोड़ के लिखा, एक हटा के लिखा जाएगा, देख लेते हैं, फिर से उसी तरीके से करेंगे तो सारे 0 लिख लेंगे। फिर अगली संख्या में 1 से करना है, 1 का 5 से 5 हो जाएगा, दशमलव के नीचे दशमलव लगा देंगे, फिर जो है 1 का 1 से गुणा करेंगे 1, 1 का 7 से गुणा 7, 1 का 1 से 1 और 1 का 8 से 8। तो इस तरीके से 0 0 5 हो गया, यहाँ पे दशमलव लग गया, इसके बाद 1 यहाँ पे उतार लेंगे, फिर 7 1 और 8। इस तरीके से देख रहे हैं आप कि 8171.500 ये जो है आंसर आ गया आपको, 8171.5। फिर अगला देख लेते हैं फोर्थ नंबर
जिसमें लिखा हुआ है, देखिए अब कि 71.02 गुणे 1000, 1000 से आपको गुणा करना है। देख लीजिए 71.02 और गुणे 1000, 0 से 3 बार गुणा किया जाएगा। देखिए 3 0 लिखे हैं, 3 बार 0 से जितनी भी संख्या आएंगी 0 आएंगी, जितने 2 संख्याओं के बाद दशमलव लगा हुआ है, हर एक के बाद 2 संख्याओं के बाद हम दशमलव लगा देंगे। फिर आगे देखते हैं 1 से गुणा किया जाएगा, 1 का 2 से गुणा 2 आएगा, 1 का 0 से 0, दशमलव लगाया दशमलव लगा देंगे, फिर 1 का 1 से 1 हो जाएगा, 1 का 7 से 7, इस तरीके से हम जोड़ देंगे। देख रहे हैं आप 2 0 उसके बाद पॉइंट, दशमलव लगा है, दशमलव 2 संख्या बाद दशमलव दशमलव लगा देंगे, फिर 2 0 1 और 7, तो इस तरीके से 7120 तरीके से आंसर आ जाएगा। 2 सवाल आगे बचे हुए हैं 5 और 6 नंबर में, जिसे आपको इसी प्रकार से जैसे हमने बताया है इसी तरीके से होमवर्क में करना। अब आगे देख लेते हैं 2 नंबर, गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसमें भी उसी तरीके से है, सेम है, बस केवल इसमें 3 अंकों वाली संख्या है, ऊपर 2 अंकों की संख्या है। उसी तरीके से है, ये इसको कर लीजिएगा इसी तरीके से है। बाकी देखते हैं 3 नंबर, गुणनफल ज्ञात कीजिए। लिखा हुआ है 4.61 गुणे 12.9, 4.61 12.9, देखिए दोनों संख्याओं में दशमलव लगा हुआ है, ऊपर नीचे लिख के इसे सॉल्व करें। देखिए ऐसे लिख लिया, 9 का 1 बार गुणा 9 हो जाएगा, 9 का 6 से गुणा 54 आया, तो 5 लिख लेंगे इधर, 9 का 4 से गुणा करेंगे 36, 37, 38, 39, 40, 41, 47 हो जाएगा, तो इस तरीके से 41.49 है। फिर 2 से करेंगे, 2 का 1 बार 2 हो जाएगा, 2 का 6 से 12 हो जाएगा, 12 का 2 1 हासिल आएगा, और 2 चौके 8 और 9। फिर आगे हम देख लेते हैं 1 का 1 से 1 हो जाएगा, 1 का 6 से 6 हो जाएगा, 1 का 4 से 4 हो जाएगा, 9 4 2 प्लस करेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 1 3 1 4 हो जाएगा, दशमलव लग जाएगा, उसके बाद 9 4 15 16 17 18 19 20, उन्नीस आ जाएगा, 19 का 9 लिख देंगे हम, 1 हासिल होगा, 4 और 1 5, तो इस तरीके से 59.469 ये आंसर है। फिर दूसरा सवाल देख लेते हैं कि 2.48 गुणे 13.5, 2.48 13.5 5 से गुणा करेंगे 40 हो जाएगा, 5 का 8 से 40 4 हासिल, 5 का 4 से 20 और 4 24 का 4 2 हासिल, 5 का 2 से 10 और ये 2 जोड़ लिया तो हो गया 12.40। फिर 3 का 8 से 24 2 हासिल, 3 का 4 से 12 2 14 14 का 4 हो गया, 1 हासिल आ गया, 3 का 2 से 6 1 7 हो गया, इस तरीके से आगे देखते हैं 1 का 8 से 8 हो गया, 1 4 1 4 और ये पूरा ऐसे ही उतार लेंगे। अब इसको जोड़ देंगे हम, 4 में 4 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 4 में 2 6 14 का 4
सात और एक आठ, चार बारह, बारह और एक तेरह, तो तीन, दो में एक प्लस कर देंगे तो तीन हो जाएगा। इस तरीके से 33.480 ये आंसर है। फिर आगे देख लें, 23.469.201, 23.469.201, एक अच्छे से गुणा करेंगे छह आएगा, एक जितनी बार आप गुणा करेंगे तो देख रहे हैं वही डिजिट आएगा। फिर जीरो से करेंगे तो सब में जीरो आ जाएगा, दो से करके देख लेते हैं, दो छंग बारह हो गया, बारह का दो एक हासिल, फिर दो से चार, दो चार दुनी आठ और एक नौ हो गया, दो तिया छह हो गया, दो दुनी चार, इस तरीके से। फिर अगला नौ से, नौ चार चौवन के चार पांच, नौ का चार से छत्तीस, इकतालीस जाएगा का एक चार हासिल, नौ का तीन से सत्ताईस, अट्ठाईस उनतीस इकतीस हो जाएगा, ये भी तीन हासिल आ जाएगा। फिर आगे देखते हैं नौ का दो से अठारह उन्नीस बीस इक्कीस, तो इस तरीके से इसके इक्कीस, हम फिर से प्लस कर लेंगे सारी संख्याओं को। देखते हैं छह का छह लिख दिया, चार और जीरो नीचे लिखा है चार ही हो जाएगा, तीन में दो जोड़ दिया पांच हो गया, नौ चार पंद्रह, तेरह, नौ में चार प्लस करेंगे तेरह हो जाएगा, दो पंद्रह के पांच, छह में एक सात और एक आठ, चार और एक पांच जाएगा, एक और दो, इस तरीके से 215.85546 ये आंसर आ गया। अगला चार नंबर देखते हैं, ये लिखा हुआ है 71.285.023, इससे करेंगे तो तीन का आठ से चौबीस, दो हासिल, तीन दो, तीन का दो से छ और दो आठ, तीन एक कम तीन हो जाएगा, तीन सते इक्कीस का इक्कीस। फिर हम दो से करेंगे, दो का आठ से सोलह के छह एक हासिल, दो का दो से चार और एक पांच हो जाएगा, दो का एक से दो हो जाएगा और दो का सात से चौदह हो जाएगा। फिर जो है हम जीरो से कर लेंगे तो सारी डिजिट जीरो आएंगी, फिर पांच से, पांच का आठ से चालीस का जीरो चार हासिल, पांच का दो से दस और चार चौदह हो जाएगा चार, फिर जो है पांच का एक से पांच और एक छह हो जाएगा, पांच सात से पैंतीस आ जाएगा। तो इस तरीके से हम जोड़ देंगे इन सब संख्याओं को, चार का चार लिख देंगे, आठ और छह चौदह हो जाएगा, चौदह के चार एक हासिल, पांच और तीन आठ और एक नौ, दो और एक तीन, चार चार आठ, दो दस, छह और एक सात और एक आठ, इधर पैंतीस, तो 358.039.44 ये हमारा आंसर। आगे जो है आपके दो सवाल बचे हुए हैं, पांच नंबर और छह नंबर, जिसको आप जो है कर लीजिएगा, सेम एस इसी तरीके से लगेंगे होमवर्क में। बाकी अगला बताते हैं 7.5, अगले अभ्यास जो है 7.5 बताएं।